हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इनका ड्यूटी का टाइम हो गया था और मैं इनको नाश्ता बना के दे दी हूँ। तो यहाँ पर करेला का भुंजा बनाई थी और रोटी। और पहले तो मैं करेला बना ही नहीं रही थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नखरा करते हैं और बोलते हैं कि मैं करेला नहीं खाऊंगा। तो आज मैं वही नाश्ता मैं बना दी। और यहाँ पर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रामनवमी का ये सब झंडा सब जगह यहाँ पर गाड़ा हुआ था। और ये केला का था, ये केला का यहाँ पर गोदाम था। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा एक दर्जन यहाँ पर केला भी ले ली थी और काफ़ी अच्छा था। पका हुआ केला ली, कच्चा भी था, बट बोली कि मैं पक्का वाला ही ले लेती हूँ। और बस वो लेके मैं घर यहाँ पर आ गई। और देख सकते हैं बहुत अच्छा क्वालिटी का था। और इनका फ़ोन छूट गया था तो मैं ऊपर से फ़ोन लेके आ गई। और बस ये अभी जा रहे हैं ड्यूटी। और बस ये ड्यूटी चले गए हैं तो मैं अपना काम धाम कर ली थी और बस यहाँ पर मंदिर आ गई हूँ। और अभी बहुत दिन से मेरे को लेट ही हो जा रहा है। 10:30 बज जाता है मुझे आने में और 11 बजे मैं नाश्ता करती हूँ। तो पता नहीं क्यों काम में बहुत ज़्यादा मैं लेजी काम कर रही हूँ, या पता नहीं क्यों जल्दी जल्दी काम ही मेरे से हो नहीं पा रहा है और बहुत दिन से लेट भी कर पा रही हूँ। और जल्दी उठती हूँ तो ऐसे तो जल्दी हो पाता है। अभी जो मॉर्निंग वॉक के लिए चल जाती हूँ ना थोड़ा लेट से, और ड्यूटी भी हो जाता है कभी 7 कभी 8, तो उस वजह से थोड़ा डिले हो जा रहा है। तो यहाँ पर मैं पूजा करने के लिए आई थी, मेरा पूजा भी हो गया है और बस अब सब जगह पूजा कर लेंगे और उसके बाद जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं शिव जी में ऐसे ओम लिख रही थी। सहज से ओम लिखना बहुत शुभ होता है। और मंदिर भी नहीं धोया हुआ था तो लगता है कि कोई उससे पहले पूजा ही नहीं किया, क्योंकि कोई आता नहीं है तो ऐसे ही रहता है। तो मैं आके मंदिर भी पहले धोई। तो बस अब घर आ गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अब नाश्ता कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं बूंदी वाला रायता बनाई थी और करेला का भुजिया था और भी जो भी बचा उचा सब था वो नाश्ता कर ले रही हूँ। और हमेशा मेरे को अभी लेट हो जा रहा है नाश्ता करने में। और अभी मेरा एक पार्सल भी आने वाला है। तो मैंने मेरे हस्बैंड एक्चुअली ऑर्डर किए थे एक दवा, तो देखते हैं कब आएगा। अभी तो फ़ोन आया था कि 5-10 मिनट में आएगा, जब तक मैं नाश्ता कर लूँगी। और बूंदी का रायता तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसलिए मैं बचा हुआ था तो बना ली। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा पार्सल वाला भी आ गया है। तो वो कोड मांग रहा था मेरे से, बट मैं तो ऑर्डर नहीं की थी, यही ऑर्डर किए थे। तो मैं इनको बोल दी कि आप इनको फ़ोन करिए और यही वो था मेरा पार्सल। तो बस वो उनको फ़ोन कर रहे हैं और जैसे ही कोड लेंगे तभी मेरे को देंगे ये। तो बस इनको अब कोड पता चल गया था और इसको लेके ऊपर चलते हैं। अब बस इस ओपन करते हैं और दिखाते हैं कि क्या है इसमें। और मैं सब जगह से देख रही थी कि ये कैसे ओपन होगा, बट ये तो एकदम समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे ओपन होगा। बट ये इधर बीच साइड से फिन कट की तो हो गया। मैं तो बोली थी ना कि ये मैं दवा मंगाई है तो ये अशोका रिष्ट है और ये 3 बोतल मैं मंगाई थी। तो ये पीने से भी सुनते हैं बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, तो मंगा ली थी। और यहाँ पर बस अब शाम हो गया था,
तो ये ड्यूटी से भी आ गया है और बस ये जल्दी जल्दी आके नहाए और मैं चाय और नाश्ता दे दी, ये चाय और नाश्ता कर लिया और इधर निकल गए थे रूम देखने के लिए। तो बस अब हम लोग बाइक से जा रहे हैं और सुभाषपल्ली चौक जा रहे हैं, वहाँ पर हम लोग रूम देख रहे हैं क्योंकि यहाँ का खगड़ा में नहीं रहना है। एक्चुअली यहाँ का माहौल भी अच्छा नहीं है और वहाँ पर अच्छा है, सोसाइटी भी है, लोग भी अच्छे हैं, तो रहना अच्छा रहेगा सोसाइटी एरिया में। तो यहाँ पर बस वहाँ इनके टेक्नीशियन के दो बच्चे हैं तो उनके लिए चॉकलेट ले लेते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं पहुँच गए हैं और ये आपको बाहर का क्लिप दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा आते साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और देख सकते हैं कितना अच्छा अच्छा घर बना हुआ है, बिल्कुल सोसाइटी एरिया लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि जो हम लोग बोकारो में अपना घर बना रहे हैं ना आर्या बिहार वाला, बिल्कुल सेम वैसा ही लग रहा था। और ये देख सकते हैं इनके टेक्नीशियन है और उनकी वाइफ है, वही दोनों ले जा रहे थे जो हम लोग रूम लेने वाले हैं और यही वो रूम है जो दिखा रहे थे। तो आई तो बहुत अच्छा लगा, रूम तो बहुत अच्छा था और ये 2 BHK का था, बट मुझे तो एक ही वन ही चाहिए था, बट ये 2 BHK का ही है। और ये थी मकान मालकिन, अच्छा तो लगा, तो देखते हैं क्या होता है। और आप लोगों को कैसा लगा ये रूम आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, और नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।